ये किसी कांग्रेस या विपक्षी दल के नेता पर हुई रेड नहीं है, बल्कि ये तो कांग्रेस द्वारा कराई गई रेड है। मतलब ये कि ये तस्वीर है राजस्थान से, जहां राजस्थान एसीबी ने ईडी के एक अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। 17 लाख की घूसखोरी के मामले में जांच एजेंसी ईडी के ही एक अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ईडी ने राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा सीएम गहलोत के बेटे वैभव से फेरा से जुड़े मामले में पूछताछ की थी। दूसरी तरफ अब राजस्थान की एसीबी ने ही उसी जांच एजेंसी के अधिकारी पर बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ईडी के अधिकारी नवल किशोर मीना पर आरोप है कि उन्होंने एक बिचौलिए के जरिए 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है, जिसके बाद राजस्थान सरकार की जांच एजेंसी ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी को अरेस्ट कर लिया। खबर है कि एसीबी ने ईडी अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में ट्रैक किया था, जिसके बाद उससे जुड़ी जगहों पर छापेमारी की और फिर अधिकारी को अरेस्ट कर लिया गया। बता दें कि नवल किशोर मीना ईडी में एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। उन पर आरोप है कि चिटफंड से जुड़े एक मामले को बंद करने, संपत्ति कुर्क नहीं करने और गिरफ्तारी से बचाने के लिए 17 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उधर गिरफ्तार करने वाली एसीबी का आधिकारिक बयान भी देख लीजिए। ईडी अधिकारी नवल किशोर मीना और उनके सहयोगी बाबूलाल मीना को खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर में परिवादी से 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, यानी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर एसीबी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेमंत प्रियदर्शी ने भी मामला समझाते हुए कहा। उन्होंने कहा कि एसीबी की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि ईडी इम्फाल में दर्ज चिटफंड में दर्ज मामले को निपटाने, प्रॉपर्टी अटैच नहीं करने और गिरफ्तारी नहीं करने के एवज में इम्फाल सब जोन कार्यालय के ईओ नवल किशोर मीना द्वारा 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले पर राजनीति भी गर्म है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, जयपुर में ईडी का अफसर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गलियों गलियों में घूम रहे इन ईडी अफसरों की गाड़ी की जांच जरूर की जाए। छापों की आड़ में कहीं एक कमल छाप के स्टार प्रचारक बनकर तो नहीं घूम रहे? सीआरपीएफ के जो लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। ये तो यहाँ तो ऐसे भी सीआरपीएफ की कितनी टुकड़ियां हैं और बाहर से लाने का मतलब क्या है? मतलब वही है कि बक्से भर भर के लाए जा रहे हैं, हो सकता है इसमें नोट भी हो और दूसरे सामान भी हो, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। उधर आरजेडी के मनोज झा ने कहा, बिहार, बंगाल, चेन्नई, महाराष्ट्र, झारखंड में घूम रहे हैं ये लोग, ये बीजेपी घूम रही है, ईडी नहीं है। बंगाल, चेन्नई, महाराष्ट्र, झारखंड घूम रहे हैं लोग, तोता कहिए या फलाना कहिए, ये घूम रहे हैं, तो बीजेपी घूम रही है, ईडी नहीं है। मुझको तो उन ऑफिसर्स की चिंता है, वो सोते कैसे होंगे कि थोड़ा सा बाह मरोड़ा नहीं सत्ता ने कि आप तो लुट गए भाई। उनकी चिंता होती है कि कल को जब परिवर्तन होगा सत्ता में कैसे देखेंगे ना, ये इनकी कारगुजारियों का हिसाब नहीं होगा क्या? बस विपक्ष ईडी, सीबीआई और बाकी केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन को लंबे समय से बदले की राजनीति कहती आई है।
दिल्ली में आप सरकार के तो कई बड़े नेता जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल पर तलवार लटक रही है। ऐसे में गहलोत सरकार का राजस्थान में ईडी अधिकारियों पर रिएक्शन किस राजनीति का हिस्सा है? न्यूज तक ब्यूरो।